विकसित भारत मोदी की गारंटी। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मोदी सरकार ने इतिहास रचा। धारा 370 हटने से J&K में घटी आतंकवादियों की संख्या। कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। विकसित भारत जो मोदी जी की गारंटी है, तो 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की गरीब जनता के लिए जो योजना बनाई वो धरातल तक पहुंचाई, और इस भारतवर्ष का जो विश्व में पहचान बनाई है वो इतनी बढ़ गई है, जो विदेश में रहने वाले हमारे लोग हैं वो भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पिछले लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं भाजपा के केंद्र में सरकार है, और जो काम पिछले 10 वर्षों में हुए हैं उनकी आप भी खुद तुलना कर सकते हैं पिछले 60-65 वर्षों में। जो मोदी जी ने नहीं बोला वो भी करके दिखाया। अगर हम सबसे पहले नारी शक्ति की बात करें तो लोकसभा में ये बिल पारित हुआ, इसमें 33% आरक्षण जो है वो हमारी महिलाओं शक्ति को दिया गया। कई वर्षों से नए संसद भवन की जो डिमांड थी, जो लग रहा था कि पुराना संसद भवन काफी समय से है, नए संसद भवन बना जाए, तो वो भी ये 10 वर्षों की सरकार, मोदी जी की सरकार ने नए एक संसद भवन भी इस भारतवर्ष को दिया। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का नारा भी रहा है कि 370 हटाएंगे, एक देश एक झंडा होना चाहिए, वो भी पिछले वर्षों में उसको भी 370 धारा को समाप्त किया, जो आज आतंकवादी के ऊपर अंकुश लगा है, और जम्मू एंड कश्मीर में जो व्यापार पर्यटन बड़ा है और वहाँ के नागरिक हमारे कश्मीरी भाई खुश हैं, ये भी मोदी सरकार की देन है। पिछले 500 वर्ष से इस भारत के राम भक्त राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, जो करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा थी। कई लोगों ने इसके लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए थे, और 1992 में तो ये बहुत एक अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए बहुत से राम भक्त, वो सिर्फ भाजपा के नहीं थे, इस भारतवर्ष के थे, इस भारतवर्ष के सपूत थे, जो गए। और आज 500 वर्ष के बाद यहाँ एक अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये भी मोदी सरकार की ही देन। अगर हम G20 की बात करें तो मात्र बड़े शहरों में ही सिमट के रह जाता था, लेकिन मोदी जी ने कुछ छोटे छोटे शहरों पे पहुंचाया। हमारी भारतवर्ष की संस्कृति क्या है उसको भी विदेशों को दर्शाया। जब हम यहाँ बैठे हैं धर्मशाला में, तो धर्मशाला में भी G20 का समागम हुआ, जिसमें कई विदेशी मेहमान आए। ऐसे तरह से ये कई स्थानों पे रहा, ये जो हमारी संस्कृति है ये भी विदेश में गई। हमारे चाय बागान कैसे हैं ये भी पूरे विश्व में गए। जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, बहुत सी स्कीमें जो है वो 10 वर्षों में हुई है, तो मोदी है तो गारंटी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी भारतवर्ष की जो जनता है वो आशीर्वाद देगी, और एक बार से फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री।